वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी पालमपुर हिमाचल प्रदेश की। एडवर्टाइजमेंट नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है 14/2099 और पोकन इंटरव्यू द्वारा इन पोस्टों के लिए आपका सिलेक्शन होना था। अब मेन जो है कि किस प्रकार से आपका चयन होगा तो वो जानकारी हम आपको देना चाहेंगे इसमें। तो नेम ऑफ पोस्ट क्या है वो आपको हम बता देते हैं। सीरियल नंबर 1 है और प्रोजेक्ट असिस्टेंट की पोस्ट है, ठीक है। नंबर ऑफ वैकेंसी 1 भरी जाएंगी इसमें। इसके लिए जो एज चाहिए थी, ठीक है, एज जो जिस दिन आपका इंटरव्यू है उस दिन आपकी एज 28 साल से आप ऊपर नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इसमें बताया हुआ है। अब जो इसका जो सैलरी है वो क्या रहेगी, तो सैलरी 15,000 रुपये आपको पर मंथ मिलेगी इसमें, ठीक है। अब जो मेन है कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो इसमें आपकी क्वालिफिकेशन चाहिए 10वीं पास, ठीक है, 10th स्टैंडर्ड इन साइंस सब्जेक्ट विद 55% मार्क्स प्लस ITI डिप्लोमा, ठीक है, या सर्टिफिकेट ऑफ द ट्रेड ऑफ फेडर अगर आपके पास है ये, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। पूरी जानकारी के लिए आप इस चैनल पर बने रहिएगा, वीडियो को आप लाइक जरूर करिएगा। आगे आपको हम बताएंगे कि हिमाचल प्रदेश में अभी जो वैकेंसी भरी जा रही थी उसमें अभी जो बहुत सी वैकेंसी होगी जिनकी लास्ट डेट अप्रैल में है और मई में है, तो कौन सी जानकारी कौन सी नोटिफिकेशन थी, तो जिनकी जानकारी हम आपको अगली वीडियो में देने वाले हैं। अब जो मेन अटेंडर ऑफ द प्रोजेक्ट तो वो है 31/3/2020 तक आप एक साल का इसमें प्रोजेक्ट में काम कर सकते हैं, ठीक है, ये जो पोस्ट है। और जो इस पोस्ट के लिए जो आपका इंटरव्यू होगा वो होगा 16/4/2019 को 2 बजे। ये वेन्यू जो है CSIR IHPT पालमपुर हिमाचल प्रदेश में आपका इसका इंटरव्यू होगा, ठीक है। कब होगा, 16 अप्रैल को, ठीक है, तो आप 16 अप्रैल को आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। अप्लाई वगैरह आपने क्या करना है या नहीं करना है पूरी जानकारी हम आपको आगे दे देंगे। अब जो 28 साल इसमें मांगी हुई है एज, ठीक है, तो 5 साल की छूट होती है SC ST के लिए, 3 साल की वुमेन के लिए और OBC के लिए, ठीक है। और इसमें ये 40 साल इसमें SC ST वाले अप्लाई कर सकते जो अदर है, ठीक है। तो 28 से 33 साल तक SC ST OBC वाले SC ST वाले अप्लाई कर सकते हैं इन वैकेंसी के लिए। और जो लोग 30 साल के OBC वाले वो लोग अप्लाई कर सकते हैं इसमें। और जो वूमेन है, ठीक है, जो महिलाएं हैं वो 3 साल की उनको छूट होगी, तो 31 साल तक महिलाएं अप्लाई कर सकती है, ठीक है। वेबसाइट जो है वो IHPT.RES.IN ये वेबसाइट है। और जो भी लोग इसके लिए अप्लाई करना चाहेंगे या जिस प्रकार भी कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, IHPT.RES.IN ये वेबसाइट है, इस पर आप जाकर पूरी जानकारी ले सकते हैं। अब जो कुछ इंस्ट्रक्शन इसमें दिए हुए हैं इनको आप पढ़िएगा, ठीक है, उसके बाद आप देखिएगा कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते आप, तो पूरी जानकारी इसमें आपको बताया हुआ है सब कुछ, ठीक है। अब जो आ गया, ठीक है, ये फॉर्म आपको भरनी पड़ेगी। फॉर्म अगर आपको चाहिए होगी हमें आप कमेंट कर दीजिएगा या व्हाट्सएप नंबर आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो व्हाट्सएप पर आप हमें मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको एडवर्टाइजमेंट जारी कर देंगे, आप व्हाट्सएप पर कर देंगे। तो एप्लीकेशन नंबर ये रहेगा आपका, ठीक है, एप्लीकेशन नंबर भरा हुआ पहले प्रोजेक्ट वाले की ये पोस्ट है, ये आपको ऑटोमेटिक ही भरा हुआ मिलेगा क्योंकि आप इसको प्रिंट करोगे तो ये इसमें प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने लगानी है एक फ़ोटो अपनी, ठीक है, आप अपनी फ़ोटो लगाइएगा। एडवर्टाइजमेंट नंबर जो मैंने बताया 14, ठीक है, 14/2019 ये वो आपने भरना है यहाँ पे। अब जो नेम ऑफ द पोजिशन अप्लाइड फॉर वो अपने पोस्ट का नाम भरना है, ठीक है, ये प्रोजेक्ट फेलो की पोस्ट होगी। और नंबर ऑफ वैकेंसी ये कौन सी है ये आपको भरना था, ठीक है। नेम ऑफ कैंडिडेट आपको यहाँ पर भरना है, अपने पिता का नाम भरिए, माता का नाम भरिए, अपनी जो जन्मतिथि वो भरिए। एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन मीन्स कि जहाँ पर आप अभी रह रहे हैं जो आपका पोस्टल एड्रेस होगा वो आपने यहाँ पर सीरियल नंबर जो 7 है इसमें आपने भरना है। उसके बाद जो टेलीफोन है, अगर आपके पास घर में कोई कनेक्शन लगा हुआ टेलीफोन नंबर तो वो आप भर दीजिएगा विद IST कोड। अगर वो नहीं है तो फिर यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर भरिएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपने ईमेल आईडी जरूर करनी है अपनी इसमें, ठीक है, ताकि आपको ईमेल के थ्रू भी इंफॉर्मेशन दे दी जाए। अब जो मेन है परमानेंट एड्रेस आपका यहाँ पर आएगा, ठीक है, परमानेंट एड्रेस जहाँ आपका निवास है, जहाँ आपके बोनाफाइड हिमाचली सर्टिफिकेट वगैरह बने हुए हैं, ठीक है, तो वो लोग इसके लिए वहाँ पर इनका जो परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब जो टेलीफोन नंबर है और ये आपको भरने पड़ेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ईमेल वगैरह आपको भरनी पड़ेगी।
एग्जामिनेशन क्वालिफिकेशन जो है इसके लिए क्या क्या चाहिए वो मैं आपको बता दिया, 10th पास आप होने चाहिए, बाकी जितने पढ़े लिखे हो गए आपको बेनिफिट इसमें दे दिया जाएगा। अब जो सब्जेक्ट है वो है 10th पास, ठीक है, मार्क्स कितने लिए आपने वो आपको यहाँ पर बताना है और कितने में से कितने लिए, ठीक है, जैसे 700 में से 350 लिए आपने तो यहाँ पर आप 50% करोगे, ठीक है। अब जो आपको बोर्ड या यूनिवर्सिटी नेम बताना, तो HP बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन जागर धर्मशाला, जो हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला है, अगर आपने वहाँ से किया है तो आप HP BOSC धर्मशाला DSAL लिख दीजिएगा, ठीक है। एयर ऑफ पासिंग कब आपने वो 10th की थी वो आपने यहाँ पर भरना, जैसे 2010-12 जब भी की है वो आपने यहाँ पर भरना है, ठीक है। अब सेम इसका क्वालिफिकेशन रहेगा प्लस टू में, ठीक है, तो इसमें पूछा था सब्जेक्ट, यहाँ पर आपने 10th में कर देना है ऑल, ठीक है, ऑल लिख दीजिएगा, या फिर बारीक बारीक इसको इंग्लिश हिंदी मैथ वगैरह साइंस सोशल साइंस आर्ट वगैरह जो भी आपने किया था वो भरना है, ठीक है, सब्जेक्ट्स का जो कॉलम है। अब उसी प्रकार से जैसे ये 10th प्लस टू का ये कॉलम है इसमें आपने भरना है, मान लो कि आपने की है आर्ट्स में, ठीक है, आर्ट्स यहाँ पर भर दीजिएगा, आपको कोई सब्जेक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। उसके बाद आपने 300 या 250 ले लिए, ठीक है, 500 का एग्ज़ाम होता है आपका प्लस टू का, ठीक है, हिमाचल की बात कर रहे हो, तो 250 के लिए तो यहाँ पे आपने कर देना फिर 55% मार्क्स यहाँ पर 50% मार्क्स आप यहाँ पर भर दीजिएगा, ठीक है। परंतु मैं आपको एक बार पहले बता देता हूँ कि 55% इसमें मांगे हुए, ठीक है, 55% आपके नंबर होने चाहिए और ITI आपकी होनी चाहिए, वो आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद जैसे प्लस टू का भर दिया रिकॉर्ड हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन आएगा, एयर ऑफ पासिंग आएगा यहाँ पर, ये आपको भरना है। उसके बाद BSc की है आपने तो आप यहाँ पर भर दीजिएगा इसकी पूरी डिटेल, ठीक है। उसके बाद जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। अब जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन है इफ एनी तो वो आपको भरनी है, ठीक है, टेक्निकल जैसे ITI आपने की है तो वो आपको भरना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। एक्सपीरियंस आपके पास है तो इस कॉलम में आप एक्सपीरियंस को भर सकते हैं, और वेदर बिलोंग टू SC ST ऑफ OBC फिजिकल हैंडीकैप, अगर आप इनमें से कोई है जैसे SC ST OBC PH का मतलब फिजिकल हैंडीकैप होता है, ठीक है, तो आप यहां पर वो भर देना, जैसे SC है तो SC लिख दीजिएगा यहां पर, ये जो कॉलम है इसमें आप SC भर दीजिएगा, ST से तो ST भर दीजिएगा, OBC से तो आप अपने OBC का भर दीजिएगा। अच्छा, ये इसमें बताया हुआ वेदर यू हैव एनी ब्लड रिलेशन वर्किंग इन CISR IHBT, इफ सो गिव डिटेल्स, ये आपको अपने अगर इस ब्लड रिलेशन से कोई काम किया हुआ है तो वो आपको यहाँ पर भरना है, अगर है तो, अगर नहीं है तो इसको खाली आप छोड़ सकते हैं। एनी अदर डिटेल्स वो आपको भरना था, सीरियल नंबर 14 का, तो इसमें आपको एनी अदर डिटेल्स भरना था। उसके बाद क्या करना है, ये डिक्लेरेशन है, ठीक है, ये जो डिक्लेरेशन है, ठीक है, इसको आप पढ़िएगा और क्या करना है, फिर आप यहाँ पर अपने सिग्नेचर करिएगा, ये सिग्नेचर का कॉलम रहेगा और सिग्नेचर के कॉलम में आपको करना है यहाँ अपना नाम भरिएगा, ठीक है, नाम भर दीजिएगा यहाँ पर, ये आपका जो सर्टिफिकेट में नाम है वो आएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जैसे भी आप अपने सिग्नेचर करते हैं वो आपने सिग्नेचर यहाँ पर करनी है, ठीक है। अब जो डेट है कि कब आप ये फॉर्म भर रहे हैं वो आपने यहाँ डालनी है, ठीक है। आज है 28 मार्च, और 28 मार्च यहाँ पर जो लोग आज भर रहे वो 28 मार्च भर दीजिएगा। जैसे आप दिन को अपना जो कैलेंडर है उसको आप एक बार देख लीजिएगा कि आज कौन सी तारीख है, तो उस दिन वो तारीख यहाँ पर डाल दीजिएगा। मान लो आप 30 मार्च को ये फॉर्म भर रहे तो 30/3/2019 कर दीजिएगा। तो इसके बाद आपने भरना है यहाँ पर प्लेस का ये कॉलम आपको मिलेगा, यहाँ पर आप प्लेस भर दीजिएगा। मान लो आप कांगड़ा से तो आप यहाँ पर कांगड़ा भर दीजिएगा, ठीक है। शिमला से है तो शिमला भर दीजिएगा यहाँ पर। मंडी से है तो मंडी भर दीजिएगा, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है या प्लेस है आपका वो भर दीजिएगा आप, ठीक है। जैसे तहसील का भरना है तो वो आप कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। सिग्नेचर का मैंने आपको बता दिया, ये नेम का जो है नेम आपने भरना है, सिग्नेचर यहाँ पर आप करिएगा, डेट डालिएगा, ये डिक्लेरेशन कहते हैं इसको, ठीक है, और ये आपको करनी पड़ती है। एक बार जो वेबसाइट है आपको वो बता देते हैं, एडवर्टाइजमेंट नंबर है 14/2019, ठीक है, 14 लिखना है आपने, 14, ठीक है, 14 आपने लिखना है और उसके बाद स्लैश लगा के, ठीक है, स्लैश किस प्रकार से लगते हैं इस प्रकार से, ठीक है, ये आपने स्लैश लगाना है यहाँ पर, 14 लिखिएगा और यहाँ पर 2019 आपने भरना है, ठीक है, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर रहेगा। एक बार आपको जो वेबसाइट है इसकी वो हम बता देते हैं कि अब वेबसाइट क्या है,
तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो वेबसाइट है इसकी वो है IHBT, ठीक है, ये IHBT www.ihbt.res.in ये वेबसाइट होगी। तो जो एलिजिबल कैंडिडेट है वो इसके लिए इंटरव्यू में अटेंड हो सकते हैं, ठीक है, इंटरव्यू अटेंड कर सकते हैं। फ़ोटो कॉपी लगानी अपने सेल्फ अटेस्टेड, वो आप देख लीजिएगा। बहुत से लोग होंगे जो वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे और उसके बाद कुछ गलतियाँ हो जाएगी, फिर आप बाहर हो जाओगे, आपको कोई बुलावा नहीं आएगा। सेल्फ अटेस्टेड आपने फ़ोटो लगानी है, ठीक है। यहाँ पर जो फ़ोटो का ये कॉलम है आपकी स्क्रीन पर एक बार हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है। इसमें जो फ़ोटो का कॉलम ये दिया हुआ है, ठीक है, ये इसको आप देखिएगा एक बार। ये जो है यहाँ पे आपको फ़ोटो लगानी है अपनी, और उसके बाद अपने फ़ोटो के ऊपर छोटे छोटे सिग्नेचर करके वहाँ पर डेट डाल दीजिएगा कि कब आप इसको सेल्फ अटेस्टेड कर रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार से जैसे मैंने आपको किया ये, तो आप ऐसे इसको कर सकते हैं। और एडवर्टाइजमेंट नंबर आपने लिखना है 14 लगा दोगे फिर 2019, ठीक है, ये आपने भरना है ऐसे। और नेम ऑफ पोस्ट फॉर नेम ऑफ पोजिशन अप्लाइड फॉर तो आपने भरना है SRFPR, ठीक है, ये आपने भर दीजिएगा। प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट हेलो, ठीक है, यहाँ पर आप प्रोजेक्ट हेलो भर देना। तो ये थी इन्फॉर्मेशन, अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए 10th पास और ITI डिप्लोमा फेडर ट्रेड अगर आप हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आज के लिए इतने, नमस्कार, दीजिए इजाज़त। चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप नए हैं। जो लोग नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि इस चैनल के जरिए हम आपको गवर्नमेंट जॉब के अपडेट्स देते रहते हैं। तो आज के लिए इतने, नमस्कार, धन्यवाद चैनल।